एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग है और वीकेंड है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। आज मैंने छुट्टी लिया है, मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और मैं स्किन केयर करने वाली हूँ आज। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ स्किन केयरिंग के लिए। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता स्किन केयर करने का। सो लेट्स स्टार्ट द स्किन केयरिंग। हाय गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करूंगी कि मैं स्किन केयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ सेटाफिल का, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो मैं वही फेस वॉश यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी मेरा फेस एकदम रॉ है तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। सो द मॉइस्चराइजर विच आई यूज, दिस इज़ फॉर डॉक्टर रशिल एंड दिस इज़ फ्रॉम राइस फ्लावर विच इज़ रियली नाइस और ये इसका इफेक्ट बहुत बेस्ट है, बहुत बेटर है। और इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये। लेट्स बिगिन। सो आई जस्ट अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर हियर एंड मैं इसके बाद अप्लाई करूँगी स्क्रब। ये भी डॉक्टर रशिल का है एंड इट इज़ फॉर डी टैन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं मोस्टली यही प्रिफर करती हूँ। लेट्स अप्लाई। स्क्रबिंग मैंने स्टीम लिया और स्टीम लेने के बाद मैंने अपने फेस पे जितने भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स थे वो विद द स्पिन मैंने सब कुछ निकाल दिया, जिसकी वजह से रेड स्पॉट्स हो गए मेरे स्किन पे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं वापस से सेम मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करूँगी, द सेम वन डॉक्टर रशिल का। तो आप लोगों को इसे यूज़ करना है डायरेक्टली, आप इसको खड़ा नहीं लगा सकते अपने फेस पे क्योंकि आपका फेस कट जाएगा। स्लाइटली इसको क्रॉस करना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं एंड देन वी हैव टू स्टार्ट शेविंग अ फेस लाइक दिस। आई एम बैक आफ्टर शेविंग माई फेस विद दिस। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि कट्स ना लगे। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ फेस मास्क। सो हियर वी गो एंड आई यूज दिस फेस मास्क, दिस वन। This is charcoal mask and this is very nice for my skin. ये बहुत ज़्यादा suit हुआ है मुझे। So let's apply this. Okay, so after wiping my face nicely with wet tissue, I'm applying this. Wow, it's so amazing. It feels so amazing. बहुत ज़्यादा ठंडा feel होता है। डूइंग माई लिप स्क्रबिंग विद दिस। आप लोग देख सकते हैं मिस क्लियर का है और दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है लेमन एंड शुगर का। सो आई एम अप्लाइंग दिस टू स्क्रब माई लिप्स। हाई, आई एम बैक। सो मेरा स्किन केयर रूटीन हो चुका है फाइनली आफ्टर लिप स्क्रबिंग। मैं जा रही हूँ बाथ लेने के लिए, उसके बाद मैं लगाऊंगी ये फेस पैक जो बाई ब्रांड का है और ये लगाने के बाद मैं लगाऊंगी इस पे फिश ऑयल जो कि ये भी एक बाई ब्रांड का है एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं लगाऊंगी अंडर आई क्रीम जो है बेबी ब्राइट का अंडर आई क्रीम है, ये भी बहुत इफेक्टिव है एंड आई एम रियली हैप्पी टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इफेक्टिव है। अभी मेरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी मेरा इवनिंग में अगर कुछ प्लान बनता है, इफ आई गो आउट, सो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू गाइस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टाटा।